तो देखें ये वीडियो बीच में कट गया, इसीलिए कंटिन्यूस फिर आपको दे रहे हैं एग्जांपल बी टू प्लस का क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5 + 5 और -1 यानी 9 हो गया ना। अब सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 ये तो 9 है, 2 2 4 2 6 2 8। और अब यहाँ पे ये पता है बोरॉन का पैरेलल स्पिन के अंदर, अब ये सब बात सारी बात समझा दिए हैं तो पैरेलल स्पिन के अंदर तो ये क्या हो जाएगा, पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई। तो मेरे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कहीं भी रख सकते हैं, जितना बॉन्डिंग उतना ही एंटी बॉन्डिंग, कैंसिल हो गया कोई बॉन्ड नहीं, जितना बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कोई बॉन्ड नहीं, लेकिन ये केवल बॉन्डिंग में। तो बोरॉन और बोरॉन के बीच एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन का, तो 1 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड। अब सवाल है हमको बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर हम लोगों का इसके कारण 0 मिला, इसके कारण भी बॉन्ड ऑर्डर 0 मिला, लेकिन ये 1 तो हाफ बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू कितना, हाफ, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का और 3 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर हाफ। चलिए अब इसी बात को फार्मूला से n b माइनस n a बाई 2 यानी बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एन बी कितना हो गया, टोटल बॉन्डिंग कितना, 2 2 4 और 1 5 और अब एंटी बॉन्डिंग कितना, तो 4 है ना, और डिवाइडेड बाई 2 यानी 1/2, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 0.5। तो उम्मीद है जो अब आपको बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो चलें ये बॉन्ड ऑर्डर इसका फाइंड करना है, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, इसको भेजना है। नेक्स्ट लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल में भी एक बात कर लेते हैं, NO- माइनस में बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाब, ये फाइंड करेंगे जो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या होगा, यही ना फाइंड किया जाएगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फाइंड करने के लिए पैरेलल और एंटी पैरेलल हेटरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, तो क्या समझाया है, किसके आधार पर, ई एन के आधार पर, ई एन ऑक्सीजन का ज़्यादा और नाइट्रोजन का कम। तो जब ई एन नाइट्रोजन का कम हो गया ऑक्सीजन के आधार पर, तो ऑक्सीजन एंटी पैरेलल, ये सब बात अब खटाखट बता दिए, समझ गए होंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, तो 7 + 8 + 1 7 एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8 और माइनस है तो प्लस, 8 + 7 = 15 = 16। एंटी पैरेलल में है तो देखिए सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 एंटी पैरेलल में है, तो सिग्मा 2pz2 पाई 2px पाई 2py 10 2 12 2 14 है कितने मेरे पास 16। अब क्या कहिएगा, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py एक एक इलेक्ट्रॉन रख देंगे, क्योंकि कितना तक हो गया था, 14 तक हो गया था, 2 2 4 6 8 10 12 12 14 और 16। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है वैसा ही रहेगा जैसा कि हम लोग पहले देखे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में सेम है, इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर 0, बॉन्ड ऑर्डर 0। यहाँ देखिए बॉन्डिंग में जितना है एंटी बॉन्डिंग में तो नहीं है, तो यहाँ के कारण बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, फिर ये बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा हाफ, ये बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा हाफ, तो सी एन एन ओ माइनस में बॉन्ड ऑर्डर कितना मिलेगा 2, देयरफॉर कंप्लीट हम बॉन्ड ऑर्डर कह रहे हैं 2। अब उस तरह से भी निकाल लीजिए क्योंकि बहुत बहुत बच्चा इसमें समझ में नहीं आ पाता है। तो टोटल बॉन्डिंग में 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10,
तो बॉन्डिंग में 10 हो गया और टोटल 6 है तो -6 कर देंगे, समझे बात को। 2 तो 4/2 यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना 2। बॉन्ड ऑर्डर 2 कहने का मतलब एन ओ के बीच कितना 2 नंबर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, यही हम लोग बॉन्ड ऑर्डर समझेंगे। क्लियर है? तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चले हम लोग बाउंड ऑर्डर का फिर ये एच डब्ल्यू दे दे, सी ओ में निकालिएगा, एन ओ टू माइनस में निकालना है और सी एन माइनस में निकालना है। तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे बाउंड ऑर्डर का भी डायटोमिक मॉलिक्यूल में, अब बाउंड ऑर्डर इन इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में, लेकिन इट इज बेस्ड ऑन लेविस स्ट्रक्चर। इसका एक हार्ड रूल है जो इट इज बेस्ड ऑन लेविस स्ट्रक्चर। यदि आप स्ट्रक्चर जानते हैं तब तो इस बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए फार्मूला है बॉन्ड ऑर्डर के लिए 1 + π/σ, जहाँ पे ये क्या कह देंगे पाई नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, और ये क्या कह दीजिएगा तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड कर सकते हैं। यदि सी ओ थ्री टू माइनस तो सी ओ यही स्ट्रक्चर है। अब हम लोग ये बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए 1 + देख लीजिए पाई कितना है 1 और सिग्मा कितना, तो 1, 2, 3 यानी 3 यानी 1 कितना 3 यही हो गया बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, यानी ये कंप्लीट स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। तो बाउंड ऑर्डर हम क्या समझ रहे हैं, जो बाउंड ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है, बाउंड ऑर्डर से स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल का पता चलेगा, बाउंड एनर्जी का पता चलेगा, बाउंड लेंथ का पता चलेगा, ये सब आगे एप्लीकेशन कराएंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार एस ओ थ्री देखिए, आप लोग अपने से पहले ट्राई कीजिए। अब ट्राई कहाँ कीजिएगा, तो आपको लेविस स्ट्रक्चर बहुत सारा बताए हुए हैं, उससे लेविस स्ट्रक्चर को देखिए कॉपी में और तब ठीक ट्राई कर लिए। चलिए देखिए एस ओ थ्री यही होता है। अब बाउंड ऑर्डर फाइंड करना है तो 1 + π/σ, तो 1 1, 2, 3, 3 और ये सिग्मा, तो इसीलिए 3 यानी 1 + 1 यानी बाउंड ऑर्डर कितना 2। क्लियर है? तो चलिए हम एच डब्ल्यू अब रख देते हैं, एन ओ थ्री माइनस पी ओ फोर थ्री माइनस सी एल ओ फोर माइनस सी एल ओ थ्री माइनस सी एल ओ टू माइनस एस ओ फोर टू माइनस सी ओ टू सी एस टू है। इतने में आपको क्या करना है, बाउंड ऑर्डर फाइंड करके यानी हमको भेजना है। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड लेंथ, बाउंड लेंथ के आधार पर अरेंज करना है। तो बाउंड लेंथ हो या बाउंड एनर्जी हो या स्टेबिलिटी हो, सबका आधार बाउंड ऑर्डर ही है, सबका आधार बाउंड ऑर्डर ही। क्या क्या, चाहे बॉन्ड लेंथ हो, चाहे बॉन्ड एनर्जी हो, चाहे स्टेबिलिटी हो, तो अब बॉन्ड ऑर्डर पता करना है। एच ओ ओ एच देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड। अब ये लेविस स्ट्रक्चर आपको याद रखना होगा बाबू, जो ऐसा होता है।
तो बॉन्ड ऑर्डर जो है ये 1। ऑक्सीजन में हम देख लिए हैं जो बॉन्ड ऑर्डर कितना 2, ये देख लिए हैं आप लोग, फाइंड कर लीजिएगा। और O3 में, चलिए O3 में हम दिखा देते हैं अगेन। अब बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है तो 1 प्लस क्या कहे हैं फार्मूला, पाई बाई सिग्मा, तो ये पाई बॉन्ड और ये सिग्मा, तो 1/2 यानी 1.5। रट जाइए जो O3 में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है तो 1.5 होता है। अब देखिए बॉन्ड लेंथ, यहाँ जो बॉन्ड लेंथ का बात हो रहा है वे किसके बीच, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच, तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ही ज्यादा होगा, देखिए कॉन्सेप्ट आप लोग पहले फार्मूला देख लीजिए जो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर के बीच किस तरह का रिलेशन दिए हैं, यानी जितना ही हम लोगों को बॉन्ड ऑर्डर कम होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही ज्यादा होगा। क्या समझे बात, यानी ये फार्मूला देख लीजिए जो बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर जितना ही कम बॉन्ड लेंथ उतना ही ज्यादा, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ H2O2 में, उसके बाद होगा O3 में और उसके बाद होगा O2 में। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी, और बॉन्ड एनर्जी यदि हमसे कहा जाए तो तब क्या हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा O2 का, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू सबसे ज्यादा है। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी, तो O2 का, उसके बाद हो जाएगा O3 का, तब हो जाएगा H2O2 का। फिर बॉन्ड एनर्जी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी तो स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, जितना ही बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका, O2 का, तो स्टेबिलिटी, उसके बाद O3 और उसके बाद H2O2। तो इस तरह का रिलेशन हम लोगों से बार बार पूछा जाता है किसी न किसी रूप में, देख रहे हैं जो बहुत सारे टर्म रिलेटेड है, यही कारण है जो इससे क्वेश्चन बराबर आता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो ये HW रहा, ये सभी का सभी किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बॉन्ड ऑर्डर पे बेस्ड है, यानी बॉन्ड ऑर्डर से हम एक तो डायरेक्ट हम लोगों से सवाल पूछ लिया जाता है जो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, दूसरा बॉन्ड लेंथ हो, बॉन्ड एनर्जी हो, स्टेबिलिटी हो, स्टेबिलिटी पे कोई क्वेश्चन लगता है नहीं मिला, लेकिन स्टेबिलिटी से भी रिलेटेड रहता है। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए।